हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक विद मनीष में। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको MI फ़ोन एंड ऑल अदर फ़ोन की चार्जिंग से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और अलग अलग टाइप की चार्जिंग की प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आता है फेक चार्जिंग। इसका मतलब है दोस्तों, फ़ोन चार्जिंग तो दिखा रहा है पर चार्ज हो नहीं पा रहा है। मतलब आपने अपने फ़ोन को 2 घंटे, 4 घंटे या पूरे दिन आपने चार्ज पर लगा दिया पर आपके बैटरी की परसेंटेज उतनी है। जैसे आपने 30% पर लगाया था तो वह उतनी की उतनी ही है, तो यह फेक चार्जिंग हो गया। तो दोस्तों, यह प्रॉब्लम ज़्यादातर चार्जिंग कनेक्टर से ही आता है, तो आप उसे चेंज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है स्लो चार्जिंग। तो इस कंडीशन में फ़ोन चार्जिंग तो दिखाता है बट वो बहुत स्लो चार्ज होता है। मतलब कहीं 10 या 20 मिनट में 1 से 2% चार्ज होता है। तो दोस्तों, यह प्रॉब्लम ज़्यादातर आपके चार्जर की डेटा केबल की वजह से और चार्जिंग कनेक्टर की वजह से होता है। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है नॉट चार्जिंग। मतलब कि जब हम फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो चार्जिंग शो ही नहीं होती है। तो यह प्रॉब्लम ज़्यादातर चार्जिंग कनेक्टर, मतलब कि आपने फ़ोन पर जहां डेटा केबल को कनेक्ट किया जाता है, यह ख़राब होना और दूसरा जो आपका चार्जर है उसका एडेप्टर ख़राब हो जाना। तो दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है चार्जिंग बाय एडजस्टमेंट। मतलब कि जब हम अपने फ़ोन पर चार्जर की डेटा केबल को लगाते हैं तो एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब कि उसे हिला डुला के आला टेढ़ा करके लगाते हैं तब जाके फ़ोन चार्ज हो पाता है। तो दोस्तों, यह प्रॉब्लम ज़्यादातर हमारे फ़ोन पर जो जैक लगा होता है जिसमें डेटा केबल कनेक्ट किया जाता है उसके ख़राब होने के कारण होता है। तो दोस्तों, पांचवे व लास्ट नंबर पर आता है डैमेज डाटा केबल। इस कंडीशन में दोस्तों, जो डेटा केबल है वह कुछ ही दिन में ख़राब हो जाती है। मतलब कि फ़ोन तो चार्ज हो रहा है पर हमारी डेटा केबल 10 दिन या कुछ मंथ ही चल पा रही है, फिर उसे एडजस्ट करना पड़ रहा है, हिला डुला के लगाना पड़ रहा है। तो यह प्रॉब्लम ज़्यादातर फ़ोन पर लगे कनेक्टिंग जैक की वजह से होता है। जब वह डैमेज हो जाती है तो यह दिक्कत आती है। तो दोस्तों, यह 5 चार्जिंग प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई। यह कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हर किसी फ़ोन पर आती हैं। इस कंडीशन में ज़्यादातर हमारे 90% फ़ोन का कनेक्टिंग जैक ख़राब होता है और डेटा केबल ख़राब होती है, और 10% ही ऐसा होता है कि जो चार्जर का एडेप्टर है वह ख़राब है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको फ़ोन चार्जिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।